हल्द्वानी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री दिनेश आर्य ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित समाज के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है वह बेहद स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के छात्रों को पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एक महीने में राज्य से प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को 10,000 आभार पत्र भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट में हुआ है वो बड़ा परिवर्तन छात्रवृत्ति को लेके हुआ है। जो छात्रवृत्ति अब तक गरीब छात्रों को, अनुसूचित छात्रों को 1100 करोड़ रुपये वार्षिक दी जाती थी, उसको पिछली कैबिनेट में 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया है। साथ ही उसमें प्रावधान ये जोड़ा है कि उसमें 5% हर साल उसमें वेरिएशन होगा। इसके लिए हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी का और माननीय थावरचंद गहलोत जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सब ने तय किया है कि 10,000 पत्र केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रेषित किए जाएंगे।